बुलेट ट्रेन, ये नाम ही काफी है बिजली से रफ्तार को रिप्रेजेंट करने के लिए। दुनिया के कई समृद्ध देशों में चलती हैं बुलेट ट्रेन और जल्द भारत में भी दौड़ने लगेगी अपनी स्वदेशी बुलेट ट्रेन। स्वदेशी इसलिए क्योंकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का पहला कॉन्ट्रैक्ट स्वदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को मिलना तय माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए कुल 7 कंपनियों ने दाव लगाया था, लेकिन ये बड़ा दाव L&T बड़ी बखूबी के साथ खेल गई है। आपको बता दें, ये कॉन्ट्रैक्ट करीब 25,985 करोड़ रुपए का था। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रही इस बुलेट ट्रेन परियोजना की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन परियोजना होगी। अभी तक दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी और साउथ कोरिया में है। भारत की बुलेट ट्रेन जापान की मदद से बनाई जा रही है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुताबिक 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर लार्सन एंड टुब्रो ने सबसे कम बोली लगाई है। इस बिडिंग प्रक्रिया में 3 बिडर्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें कुल 7 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां शामिल हैं। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, इरकॉन इंटरनेशनल और JMC प्रोजेक्ट्स इंडिया ने एक साथ मिलकर बोली लगाई। इसी तरह NCC टाटा प्रोजेक्ट, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट और HSR ने एक साथ मिलकर बोली लगाई और वहीं लार्सन एंड टुब्रो ने अकेले बोली लगाई। इस टेंडर के तहत VP से वडोदरा के बीच 237 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण होना है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की लागत 1.08 लाख करोड़ है, जो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी फंडिंग कर रही है। आपको बता दें, प्रोजेक्ट का काम दिसंबर 2023 में पूरा होना प्रस्तावित है। इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होने की उम्मीद है, यानी मुंबई से अहमदाबाद महज 2 घंटे में। अभी इस दूरी को तय करने में भारतीय रेलगाड़ियों को 7 से 8 घंटे का समय लगता है और फ्लाइट से 1 घंटे का समय लगता है। लेकिन जब देश में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी तो रफ्तार समय पर भारी पड़ेगी और इस रफ्तार के निर्माण के लिए L&T ने बाजी मार ली है।